तो क्या ट्विन टावर जैसा होगा मुंबई के गगनचुंबी इमारतों का हाल? क्या मुंबई में कई इमारतों को किया जाएगा ध्वस्त? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता करण सवैया ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से फ्लैट मालिकों के हित की रक्षा के लिए मुंबई में अवैध ऊंची इमारतों का विशेष ऑडिट करने का अनुरोध किया है। समैया का अनुरोध नोएडा में अवैध रूप से बनाए गए 100 मीटर ऊंचे सुपर टेक ट्विन टावर को नियंत्रित विस्फोट के जरिए सुरक्षित रूप से सफलतापूर्वक ध्वस्त किए जाने के एक दिन बाद आया। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में समैया ने कहा, बीएमसी में भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरूप मुंबई में ऊंचे ऊंचे आवासीय टावर का निर्माण हुआ है। नोएडा में ट्विन टावर को गिराने के उच्चतम न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में मुंबई में ऐसे अवैध टावर का विशेष ऑडिट किया जाना चाहिए। भाजपा के पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि बिल्डरों की लॉबी बीएमसी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मिलकर इस तरह की अवैध ढांचे का निर्माण कर रही है। समैया ने कहा, ऐसी इमारतें या तो नगर निगम से निवास प्रमाण पत्र यानी ओसी के बिना है या उन्होंने आंशिक ओसी प्राप्त की है। इस तरह की प्रथाओं ने उन लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है जिन्होंने इमारतों में फ्लैट्स खरीदे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।